Good morning children, welcome again here in this video tutorial. Today we'll continue with the chapter number 7, that is fractions. In the last tutorial class we have already done fractions, numerator and denominator, and find the value of fractions. So today we'll continue with the same topic, that is find the value of the given fraction. So here we have exercise 7D. The word problems we'll do later on. So today we'll do exercise 7D, question number 4. Find the value of each of the following. Here we have question number A, question number 4, part A. So let's solve this question here. Okay, here we have question number 4, part A. The question is find the value of, okay, so 1 out of 4 of 12. We have to find out 1 out of 4 of 12. 12 का हमको 1 out of 4 part find out करना है. It means अगर आपको किसी ने 12 toffees दी हैं, fine. और आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताया गया है कि आपने उसमें से 1 out of 4 निकालना है. 12 में से 1 out of 4 आपको अपने पास रखना है और सारी टॉफ़ीज वापस करनी है. तो आप कितनी टॉफ़ीज अपने पास रखेंगे? 1 out of 4 तो समझ में आ गया कि 1 out of 4 आपने निकालना है 12 में से. और आपसे पूछा जाएगा कि ठीक है 1 out of 4 आप निकालेंगे, तो 1 out of 4 मीन्स कितना आप टॉफ़ी में से निकालेंगे, नंबर्स में बताइए, 1, 2, 3, 4. तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, लेट्स डू इट हियर. द मीनिंग ऑफ, इस ऑफ का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई. ऑफ मीन्स ऑफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, जो ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. सो हियर वी हैव द क्वेश्चन, 1 out of 4 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाइड बाय 12. नाउ लिसन एवरीवन, दिस इज फ्रैक्शनल बार. ये हमारा फ्रैक्शनल बार है और यही हमारा डिवीज़न सिंबल भी होता है, राइट? डिवीज़न सिंबल आपको पता है ना, इसका मतलब है 1 divided 4. 1 divided 4 इट मीन्स आपको 1 को 4 से डिवाइड करना है, बट 1 इज़ स्मॉलर देन 4, वी कांट डिवाइड. सो हियर ऑल्सो ये आपका मल्टीप्लाइड बाय 12 है. आप जब मैंने आपको पहले वाले ट्यूटोरियल क्लास में ये सिखाया था, आप 12 multiplied by 1, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, इधर आप इसे डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो. ओके, टू मेथड से आपका सॉल्व होता है. लास्ट ट्यूटोरियल क्लास में मैंने आपको सेम क्वेश्चन ऐसे सिखाया था, दिस इज 12 multiplied by 1 इज इक्वल टू 12 ones are 12. फाइन, सो हियर 12 ones are 12 और फ्रैक्शनल बार है, तो उसके नीचे आपका क्या आया है, 4. दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर. सो जब हमारा ये फ्रैक्शनल बार डिवीज़न सिंबल में कन्वर्ट होता है, जब इसे हम डिवीज़न सिंबल में कन्वर्ट करते हैं, तो जो हमारा न्यूमरेटर होता है वो राइट लेफ्ट साइड आता है, एंड जो आपका डिनोमिनेटर होता है वो आपका राइट साइड चला जाता है. नाउ यू हैव टू रीड और रिसाइट द टेबल ऑफ 4. आपको 4 का टेबल रीड करना है. ऐसे वाले क्वेश्चंस आप डायरेक्टली सॉल्व करते हो, जो इस टाइप के आपके डिवीजन सम होते हैं उनको आप डायरेक्टली सॉल्व, यू कैन सॉल्व इट डायरेक्टली. आपको डिवीजन मेथड, डिवीजन कॉलम बना के सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ऐसे करके, बिकॉज 2, 3, 4, 2 to 10 तो सारे बच्चों को टेबल बहुत अच्छे से लर्न है. तो आप नो नीड टू डू दिस टाइप ऑफ डिवीज़न, आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है. यू जस्ट रिसाइट द टेबल ऑफ द पर्टिकुलर नंबर, जो भी आपको नंबर और डिजिट दिया गया है आप उसकी टेबल रीड कीजिए और
वैसे आपको जो क्वेश्चन दिया है उसको देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये उसकी टेबल गिवन नंबर की टेबल में आता है या नहीं. सो नाउ रिसाइट द टेबल ऑफ फोर. फोर वन जार फोर, फोर टू जार एट, फोर थ्री जार ट्वेल्व. सो थ्री टाइम्स फोर, जब हम लोग फोर को थ्री टाइम्स करते हैं तो हमारा ट्वेल्व आता है आंसर. इट मीन्स जब आपको मैंने पूछा था स्टार्टिंग में वन आउट ऑफ फोर और वन आउट ऑफ फोर ऑफ ट्वेल्व, ट्वेल्व का आपने वन आउट ऑफ फोर पार्ट रखा है अपने पास, इट मीन्स आपने थ्री टॉफीज अपने पास रखी है. वन आउट ऑफ फोर का मतलब होता है क्वार्टर, मीन्स आपने थ्री अपने पास रखा हुआ है, थ्री टॉफीज, अगर टॉफीज के बारे में हम पूछ रहे हैं तो. अंडरस्टूड, आ गया सबको? एक तो आपका ये मेथड है. नेक्स्ट मेथड इज, वी नो दिस ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन सिंबल, सो अगेन वी विल राइट इट हियर, वन आउट ऑफ फोर मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व. Now students, this will divide each other. ये आपका numerator ही हो जाता है, ये आपका denominator ही होता है. तो यहाँ पर आपका वन अपनी ही प्लेस में रहता है multiplied. बीच में आपका कौन सा सिंबल है? Multiplication का सिंबल है. Now आप ब्रैकेट में here will write 12 and the denominator is 4. और डिवाइड का सिंबल यहाँ पर है. तो हम पहले इसको डिवाइड करेंगे. जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बोला था जस्ट रिसाइट द टेबल ऑफ फोर. फोर का टेबल आपको रिसाइट करना है तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा. यू कैन नो दैट, यू नो दैट, यू बेटर नो दैट कि आपका ट्वेल्व फोर की टेबल में आता है या नहीं. यस, ये आता है आपका थ्री टाइम्स फोर, थ्री जार ट्वेल्व. सो हियर द सिंबल ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड वन. Now three ones are three. This is answer. It means one out of four of 12 is three. आपका answer कितना आ जाएगा? Three आ जाएगा. Because this is very easy. अगर हमें ऊपर numerator one दिया होता है तो आप इसे easily चाहे आप 12 ones are 12 उसके बाद divide करें या फिर पहले आप सीधे divide करें उसके बाद multiply करें, आपको इजी ही लगेगा. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. हम एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, वो आपको समझ में जल्दी आ जाएगा. ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल पार्ट बी. थ्री आउट ऑफ फोर ऑफ 24. फाइन, एज वी नो दैट द मीनिंग ऑफ थ्री आउट ऑफ फोर ऑफ, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन 24. नाउ वट आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, दिस विल डिवाइड, ये आपका डिवाइड हो जाएगा. ये तो आपस में मल्टीप्लाई ही होगा, ये जो दो नंबर हैं आपस में मल्टीप्लाई ही होंगे. बट ये जो ये है, आप फोर से इसको जो मल्टीप्लाई के मल्टीप्लीकेशन के राइट साइड में है, आप ऑलवेज उसको आप डिवाइड करेंगे. ओके, और जो डिनोमिनेटर होता है उससे ही हम ऊपर न्यूमरेटर को हमेशा डिवाइड करते हैं, और वो लेकिन उस नंबर से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, तभी हम डिविजन कर सकते हैं. फाइन, सो हाउ विल राइट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट थ्री हियर. नाउ द नेक्स्ट सिंबल इज मल्टीप्लीकेशन. नाउ मेक ब्रैकेट. ब्रैकेट बनाना ज़रूरी है आप, क्योंकि पहले डिवीज़न सॉल्व करोगे. सो वी हैव हियर 24 एंड हियर द साइन इज डिवीज़न सिंबल हियर एंड हियर इज 4. ब्रैकेट क्लोज. नाउ जस्ट रिसाइट द टेबल ऑफ 4 फॉर 24. आप बताइए 4 की टेबल में 24 आता है? 4 वन्स आर 4, 4 टूज़ आर 8, 4 थ्रीज़ आर 12, 4 फोर्स आर 16, 4 5s are 20, 4 6s are 24. Yes, 6 times 4. आप जब 4 को 6 time लिखोगे तो आपको 24 मिल जाएगा. So here we have 3. 3 as it is अपनी ही place में रहेगा. Now, what is the next symbol? Multiplication. And here 4 6s are 24. Now, here we have 3. Here we have multiplication symbol. Here we have 6. Now recite the table of 6 or 3. अब आप चाहे 3 की टेबल पढ़ें
या फिर आप सिक्स की, जो आपको ज़्यादा इजी लगता है आप उसकी टेबल रीड कीजिए। फाइन, मैं तो सिक्स की टेबल रीड करूँगी बिकॉज थ्री इज़ नियर टू सिक्स। सिक्स की टेबल रीड करने के लिए मुझे ओनली थ्री टाइम्स तक रीड करना पड़ेगा, और अगर मैं थ्री की टेबल रीड करूँगी तो मुझे पूरे सिक्स टाइम्स तक रीड करना पड़ेगा। सो इट्स बेटर फॉर मी। सिक्स वन ज़ार सिक्स, सिक्स टू ज़ार ट्वेल्व, सिक्स थ्री ज़ार एटीन। सो हियर वी हैव एटीन। अंडरस्टूड एवरीवन? सो एटीन इज आंसर। इट मीन्स थ्री आउट ऑफ फोर ऑफ 24 इज इक्वल टू 18। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड? आप लोगों को समझ में आया? आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया है। आप इसे अपने मेथड से भी कर सकते हैं। मैथ्स में जब हम सॉल्व करते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन पार्ट होता है, तो बहुत सारी मेथड्स होती हैं सॉल्व करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको इस मेथड से नहीं आ रहा है तो आप अपनी मेथड से भी ना करें। आपको जिस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर आप इसे डायरेक्टली सॉल्व करना चाहते हैं, लाइक फोर वन ज़ा फोर, फोर सिक्स ज़ार ट्वेंटी फोर, फाइन, सो सिक्स थ्री ज़ार 18, ये हमारा यहीं पर सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। हमें इतना लॉन्ग मेथड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर मैं आपको ऐसे समझाती डायरेक्टली, तो आप बोलते कि इस ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मैम ने यहाँ पर कैसे सॉल्व किया, मैम ने इसको कट किया, यहाँ पर 1 था इसको कट किया, ये कहाँ से आया, फिर यहाँ पर 18 कहाँ से आया। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग। मैंने यहाँ पर आपको स्टेप वाइज पूरा समझाया है, लेकिन जब तक आप वीडियो वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। नाउ डू प्रैक्टिस योर सेल्फ, डू सम क्वेश्चंस योर ओन। आप खुद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन कॉल मी और यू कैन आस्क मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, और माय पर्सनल नंबर, आप मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको समझ में नहीं आया, देन आई एक्सप्लेन इट अगेन। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, लाइक दिस यू हैव टू सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चंस योर ओन। आपको अपने आप सॉल्व करने हैं, एंड रफ नोटबुक में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। रिमेंबर वन थिंग, फॉर सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस और दिस पार्ट यू हैव टू लर्न द टेबल ऑल्सो। मैंने आपको पहले भी बताया है, मैथ्स में आपको कुछ भी सॉल्यूशन निकालने के लिए, आपकी कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए आपको टेबल लर्न करना कंपल्सरी है और बहुत ज़रूरी है। इट्स अ बेसिक नीड। मैथ्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फोर ऑपरेशंस होती हैं, इनकी कैलकुलेशंस के लिए आपको टेबल आना बहुत ज़रूरी है। अगर टेबल ही लर्न नहीं होगा आपको, तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। कैसे करोगे जब आपको पता ही नहीं है कि इसकी टेबल में ये आता है, कौन से टाइम आता है? तो पहले आप टेबल लर्न कर कीजिए। अंडरस्टूड एवरीवन? ओके, सी यू इन द नेक्स्ट मैथ्स ट्यूटोरियल क्लास। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।